अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज जो है हम आए हैं पैकेजेस मॉल शॉपिंग के लिए। रमज़ान मुबारक में मैं जो है निकल नहीं सका था घर से, तो आज जो है मैं निकला हूँ ईद की शॉपिंग वगैरह। देखते हैं क्या करनी है, कपड़े वपड़े शूज़ वगैरह, तो जो भी लेते हैं वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं अंदर मॉल के। मेरे हिसाब से लाहौर का सबसे अच्छा मॉल जो है पैकेजेस मॉल है। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे रेंज है ब्रांड्स की, काफ़ी खुला है। इस कुछ लोगों की नज़र में पूरी मॉल ज़्यादा अच्छा है। डॉलर स्टोर सब कुछ जो है यहाँ पे एक डॉलर का है। टॉयज़ काफ़ी सारी यहाँ पे रेंज है और बहुत सारी चीज़ें हैं पैकेजेस मॉल में। बच्चों के शूज़ जो है यहाँ से सर्विस बाटा से ले रहे हैं। पूरी शॉप में बच्चों ने जो है उधम मचाया हुआ है, ट्रॉलियाँ लेके जूते उठा के बच्चे फिर रहे हैं। मेरी बेटी जो है ये रेड वाले शूज़ उठा के कह रही है बाबा शादी वाले जूते, शादी वाले। बच्चों ने जो है शूज़ वगैरह उतार दिए, नए शूज़ बॉक्स के अंदर, पुराने शूज़ है कह रहे नहीं पहने, नए पहने। अरवा ने अपनी चीज़ जो है अपने शूज़ अपने हाथ में पकड़े हुए, नहीं दे रही, कह रही है मैंने खुद पकड़ने। जी रोल ओवर से जो है मैंने अपनी जो छोटी बेटी है उसकी शॉपिंग की है। दोनों बेटियों की जो है वो शॉपिंग हो गई है, शूज़ भी ले लिए हैं। और अब मेरी मिसेस की जो है वो शॉपिंग रह गई है और मैंने को अपने लिए शूज़ वगैरह देखने हैं, शर्ट्स वगैरह। आजकल जो है पैकेजेस मॉल की जो टाइमिंग है रात दो बजे तक हो चुकी है। अभी मैंने टाइम देखा तकरीबन 1:30 बज रहे थे, तो इतना रश नहीं है लेकिन फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, 1:30 बज चुके हैं रात के। मिसेज़ जो है वो आगा नूर में गई हैं अंदर, देखते हैं क्या शॉपिंग करके बाहर आती हैं। यहाँ से मैंने लास्ट ईयर उनसे लंदन से शूज़ लिए थे, बहुत बहुत अच्छे थे, तो देखते हैं कि कुछ चीज़ अल्लाह करे पसंद आ जाए। ये वाला जो है मुझे उनसे पसंद आया, ये वाला बहुत पसंद आया लेकिन इसमें साइज़ नहीं है, 41 पड़ा है, 42 नहीं है, ख़त्म। और इसी तरह जो है अपने अरमान जो है दिल में ले कि मैं वापस जा रहा हूँ, शायद किसी और शॉप से भी ना मिले क्योंकि अब 2 बज गए ना, तो सब ने शॉप वालों ने जो है अपने शटर क्लोज़ कर दिए, तो जो शॉप के अंदर हैं वही बस ले सकते हैं, अब किसी और शॉप में एंटर नहीं हो सकते। लोग जो है बाहर खड़े हैं अंदर आने के लिए, लेकिन अंदर आने नहीं दिया जा रहा, तमाम शॉप्स जो हैं क्लोज़ हो चुकी हैं। ले जी बेगम साहिबा तो आगा नूर से सही भाई ईद की शॉपिंग करके आई हैं। कितने सूट हैं जी इसमें, 1, 2, 3, 4 भाई, 4 सूट। हमने तो कुछ भी नहीं लिया भाई, बच्चों की शॉपिंग हो गई, बेगम की भी हो गई, शूज़ भी ले लिए बच्चों ने, टॉयज़ वगैरह लिए हैं नीचे डॉलर शॉप से, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, और बेगम की शॉपिंग भी हो गई। और अब वापस जो है हम चलते हैं घर, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, फिर कल का कोई प्रोग्राम बनाएंगे शायद। पार्किंग जो है काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस टाइम भी लोग वापसी जो है जा रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत जो है ये अच्छी चीज़ मॉल है। इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। रात के 2:30 बज चुके हैं और बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे फ्रेश है सारे। अच्छा जी, जो ईद का ब्लॉग था वो बीच में थोड़ा सा जो है डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम पैकेजेस माल गया था तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमें मिल गई थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली। जो मेरी मिसिस की शॉपिंग थी उन्होंने वो कपड़े ले लिए, तो इसके अलावा जो मेरी अलहमदिल्ला दो बेटियाँ हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो हो गई थी। वहाँ से शूज़ वगैरह मैंने ले लिए थे, मेरे जो शूज़ थे वो रह चुके थे क्योंकि मैंने जो उनसे लंदन पे देखे थे वो उनके पास साइज़ नहीं था, तो वही शूज़ जो है मैंने ऑनलाइन पे जब मैंने चेक किया तो इनकी ऑनलाइन जो स्टोर है वहाँ पे अवेलेबल था, तो मैंने वहाँ से मंगवा लिया। कुछ शूज़ मैंने बाद में ख़रीद लिए, तो जो भी मैंने ईद की शॉपिंग की तो मैंने कहा कि वो सारी आपको दिखानी चाहिए। तो आइए चलते हैं ईद की शॉपिंग की तरफ और आपको सारी जो है मैं आपको शॉपिंग दिखाता हूँ अपनी और जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह दो बेटियाँ हैं उनकी शॉपिंग और शूज़ वगैरह, क्योंकि जो मेरी मिसेज ने शॉपिंग किया है वो कहती है कि मैं अभी अपनी जो है वो शॉपिंग जो है वो नहीं दिखाना चाहती ब्लॉग में। तो मैंने कहा चलें जैसी आपकी मर्ज़ी। तो जो चीज़ें मैंने अपने लिए अपनी जो मेरी बेटियाँ उनके लिए मैंने जो परचेज़ की तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं ईद की शॉपिंग की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रेड फ्रॉक है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये फ़्रॉक है, ये आई थिंक सो मेरे ख्याल में मारिया बी से मेरी वाइफ ने लिया था, ये मेरी जो बेटी है बड़ी ये उसका फ़्रॉक है। और इसके साथ साथ जो है एक और फ्रॉक ली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जो है बड़ा खूबसूरत जो है वाइट फ्रॉक है, ये भी मेरी जो बड़ी बेटी है उसी का फ़्रॉक है, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ्रॉक है ईद के लिए। अच्छा ये दो जो है एक फ़्रॉक है एक शर्ट है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके साथ साथ जो है आगे ये भी जो मेरी बड़ी बेटी है उसी के लिए, ये उसकी जो है जो फुप्पू हैं वो बाहर होती हैं जर्मनी, तो वो भी ईद पे आई हुई हैं, तो ये जो है शॉपिंग उन्होंने जो है मेरी बेटी के लिए की है। ये जो चीज़ें हैं शर्ट्स वगैरह ये वहाँ से बाहर से वो लेके आई हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा एक ये वाला सूट जो है मैंने अपनी बेटी के लिए लिया, ये ब्लैक वाला भी, और उसके साथ जो है कि जो पिंक वाला है ये जो मेरी बेटी की जो नानी अम्मा है ये उन्होंने जो है मेरी बेटी के लिए भेजा ईद के लिए ये वाला सूट। और ये वाले जो शूज़ हैं ये मैंने वहीं से पैकेजेस मॉल से लिए थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ये भी वाइट कलर के शूज़ हैं। इसके साथ साथ एक ये जो फ्रॉक है ये वाला भी फ्रॉक जो है इसकी जो मेरी बेटी की फूफू हैं वो बाहर से लेके आई हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी तो मैंने कहा कि कुछ कपड़े मैंने भी फिर परचेज़ कर ली, क्योंकि फिर आपको पता है आगे सीज़न है गर्मी है तो फिर वो ये कपड़े फिर आगे पूरा सीज़न जो है बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं पहन लेते हैं। ये जो शॉपिंग थी मैंने आपको दिखाया अपनी बेटी की थी, बड़ी बेटी की। अब जो मेरी छोटी बेटी है उसको जो है शॉपिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखाना भूल गया, ये जो हेयर कैचर्स हैं ये हेयर बैंड्स हैं कुछ दो तीन, ये भी जो मेरी बड़ी बेटी है उसके लिए हैं। जो मेरी बड़ी बेटी है इसका नाम जो है अरवा है और जो मेरी छोटी बेटी है उसका नाम इफ़्रा है। तो जो अरवा की शॉपिंग है वो आप देख चुके हैं, अभी मैं आपको जो इफ़्रा की शॉपिंग है वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मेरी जो छोटी बेटी है इफ़्रा उसकी शॉपिंग है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है ये वाइट कलर का एक फ़्रॉक है। इसके साथ एक ये फ़्रॉक है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़्रॉक है। ये वाला फ़्रॉक आई थिंक सो जो है इसकी जो मेरी बेटी की फूफू हैं ये लेके आई हैं। ये वाला फ़्रॉक आप देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ़्रॉक है। इसके साथ एक फ़्रॉक जो है नीचे भी पड़ा है ये वाला, अगर आप ये वाला फ़्रॉक देखें तो ये वाला फ़्रॉक भी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये जो शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं, ये शर्ट्स वगैरह जो है ये मेरी बेटी की जो फूफू हैं ये भी बाहर से लेके आई हैं शर्ट्स, और ये कुछ जो है थोड़ी सी आप देख सकते हैं ये जो नीचे बच्चे यूज़ करते हैं टाइट्स वगैरह पेंट्स। और ये कुछ शॉपिंग जो है इसके अंदर भी पड़ी है जो मैंने वहाँ से पैकेजेस मॉल से जो है ली थी रोल ओवर से, ये भी मेरी छोटी बेटी के लिए मैंने जो है वहाँ से कुछ जो है शॉपिंग की थी। तो ये जो शॉपिंग है ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटी बेटी है इफ़्रा ये उसकी शॉपिंग मैंने आपको दिखाई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है फ़्रॉक्स हैं। और जो आगे पड़ी है वो मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी जो है मैंने आपको शॉपिंग दिखाई है।
अब आइए चलते हैं। मैंने जो अपने सूट्स वगैरह ईद के लिए सिलवाए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस मुझे जो है ज़्यादा मेरी जो है तसल्ली होती है कि मैं ख़ुद कपड़ा ख़रीद के ख़ुद जो है वो सिलाई करवाऊँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा जो है वो तसल्ली होती है। तो मैंने अपने कुछ सूट्स जो हैं ये मैंने सिलवाए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे जो है सिल के आ गए हैं। एक ये नेवी ब्लू कलर का है, एक साथ साथ ये ग्रे कलर का है, ये बड़ा प्यारा सा प्रिंट है, और इसके साथ ये थोड़ा सा डार्क जो है ग्रे कलर का है, बिल्कुल प्लेन। ये तीन सूट जो हैं मैंने अपने स्टिच करवाए हैं ईद के लिए। इसके साथ साथ मैंने ये शूज़ लिए हैं ईद के लिए, ये द लेदर पॉइंट से, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शूज़ हैं। और जो मैंने उनसे लंदन से जो शूज़ पसंद किए थे आपको आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, तो वो तो मुझे वहाँ से साइज़ मिला नहीं, पर ये मुझे ऑनलाइन जो है ये मुझे मिल गया था, और ये भी बहुत खूबसूरत जो है सैंडल्स हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैंने अपनी मिसेज़ के जो है ये बहुत खूबसूरत जो है ये मैंने शूज़ लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेड ब्रांड है, आई थिंक सुन पाले ब्राज़ील का है कहाँ का है। इसके बहुत खूबसूरत जो है शूज़ थे, और ये मेडिकेटेड है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है आरामदेह होते हैं चलने में, तो ये मैंने अपनी मिसेज़ के लिए लिए हैं। बाकी जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ शॉपिंग सारी अपनी, और ये मेरी जो छोटी बेटी है उसकी, और जो आगे पड़ी है मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी शॉपिंग ये है। अब इसमें जो शॉपिंग है मेरी मिसेज़ की, जो कपड़े उन्होंने लिए हैं, तो वो जो है कह रही थी कि मैं नहीं दिखाना चाहती, तो इसलिए वो मैंने बीच में ब्लॉग में शामिल नहीं किए। तो बाकी मैंने अपनी बच्चियों की और अपनी जो है आपको शूज़ वगैरह जो शॉपिंग मैंने की वो मैंने आपको सारी दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो ईद की शॉपिंग का ब्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। इसमें जो मैंने शॉपिंग की अपनी वो तमाम मैंने आपको बच्चों की सारी दिखा दी। जो पिछला ब्लॉग था वो असल में मैंने मॉल के बाद में ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सका, जो मैंने कुछ चीज़ें बाहर से परचेज़ की, तो वो मैंने कहा कि मैं आपको इस ब्लॉग में सारी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, तो वो मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश थी कि मेरी वीडियोज़ को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जो है मुझे मिल जाएगी मोटिवेशन, और मुझे जो है दिली खुशी होगी कि मेरे कंटेंट को जो है आप लोग देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद आगे अच्छे फैमिली कंटेंट्स आपके लिए लेके आ सकूँ, जो आप जो यानी तमाम फैमिली मेम्बर्स बैठ के देख सकें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रखिएगा और नमाज की भरपूर पाबंदी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।